फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। तो दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज के वीडियो का टॉपिक है एड सर्वर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एड सर्वर होता क्या है। इंटरनेट पे पूरे का पूरा जो एडवर्टीजमेंट का खेल है, चाहे आप कोई वेबसाइट खोलो या चाहे आप मोबाइल पर कोई ऐप खोलो, आपको एड ज़रूर दिखता है। तो किस तरीके से एड सर्वर काम करता है ये जानेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, मोबाइल पर कोई भी ऐप खोल लो, आपको ऐड ज़रूर दिखता है। कोई शायद ही ऐप ऐसी बनती होगी जिस पे ऐड ना ऑफर किए जाते हों। एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट हर वेबसाइट और हर ऐप का बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। कोई भी डेवलपर एक अच्छी से अच्छी ऐप इसलिए बनाता है, उसको अच्छे से अच्छा UI इसलिए देता है, कोई गेम अच्छे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छे से अच्छा इसलिए बनाता है ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा महंगे ऐड चल सके। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट का पूरा सिस्टम है ये कैसे चल रहा है, ये ऐड सर्वर की वजह से चल रहा है। ऐड सर्वर क्या होता है? ऐड सर्वर सिंपल इंग्लिश, एक सर्वर जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऐड सर्व करने के लिए। वो ऐड सर्व कहाँ करता है? हर उनको ऐड सर्व करता है जो कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट पे जाके कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं या मोबाइल पे जाके कोई भी ऐप खोल रहे हैं, iOS पे जाके कोई भी ऐप खोल रहे हैं, तो वहाँ पर उन सबको ऐड सर्व होते हैं। कैसे वो ऐड सर्वर ये डिसाइड करता है कि किसको क्या ऐड सर्व करना है? तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड में प्ले होती हैं। मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ आसान भाषा में। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो क्या होता है, आप एक ब्राउज़र का यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, ज़्यादातर लोग क्रोम यूज़ करते हैं, या फायरफॉक्स हो। आप ब्राउज़र पर उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं www.website.com, तब क्या होता है, आपका ब्राउज़र उस वेब होस्टिंग सर्वर पे कनेक्ट करता है, उसको कॉल करता है उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जब वहाँ पर कॉल जाती है तो वेब सर्वर, जो होस्टिंग सर्वर है, जो वेबसाइट होस्टिंग सर्वर है, वो एक कोड इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके ब्राउज़र को, जो कि आपका ब्राउज़र रीड कर सकता है और उससे उसको पता लगता है कि उसको उस वेबसाइट पे ब्राउज़र पे उसको उस वेबसाइट को उस ब्राउज़र पे खोलना कैसे है, कैसे दिखाना है, कैसे वीडियो कहाँ पे चलेगी, टेक्स्ट कहाँ पे दिखेगा, बैनर कहाँ पे दिखेगा, इमेज कहाँ पे दिखेगी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र रीड कर सकता है उस कोड इन्फॉर्मेशन की वजह से जो वेब होस्टिंग सर्वर भेजता है। इसके साथ ही वो कुछ और भी भेजता है, अ स्मॉल स्निपेट ऑफ कोड जिसमें ऐड टैग्स होते हैं। वो आपके ब्राउज़र से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि IP एड्रेस, उसमें ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट से अगर आप वेबसाइट में साइंड इन हैं तो आपकी थोड़ी बहुत लिमिटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि भाई आपका जेंडर क्या है, आप कौन सी लोकेशन से हैं, ये तो IP एड्रेस से ही आ जाता है, आपका एज ग्रुप क्या है। तो ये लिमिटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड अलॉन्ग विद दिस। ये कहाँ पर जाती है, ये छोटा सा स्निपेट ऑफ कोड आपको एक एडिशनल सर्वर से कनेक्ट करता है, वो होता है ऐड सर्वर। ऐड सर्वर इस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करता है और उसकी रिपॉजिटरी में बहुत सारे एड्स पहले से हैं, बहुत सारी कंपनीज़ जो कि उसकी सर्विसेज यूज़ कर रही हैं, जहाँ पर वो ऐड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है। और फिर आपके ब्राउज़र से जो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है, उससे वो डिटेक्ट करता है कि आपको कौन सा ऐड फिट करना है, और उसी हिसाब से फिर आपको एक ऐड भेज दिया जाता है या आप तक भेज दिया जाता है, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखता है। एक एग्ज़ाम्पल, बहुत ही आम एग्ज़ाम्पल है, हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, आप अमेज़ोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट देखिए, लेट से एक पेयर ऑफ शू देखिए, फिर उसके बाद जब आप 2 घंटे बाद या कुछ देर बाद फेसबुक पर जाएंगे या किसी और वेबसाइट पे जाएंगे, अगर उस पर कोई ऐड चल रहा है, उस पर ऐड सर्वर्स ऑन है, तो आप देखेंगे कि वही जूता आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ले लो भैया। तो ये कैसे होता है, इस वेबसाइट को कैसे पता लगा कि भैया आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे वही जूता देख रहे थे? वो इसलिए क्योंकि जब आपने अपने ब्राउज़र पर ये वेबसाइट खोली तो आपके ब्राउज़र पर एक ऐड टैग आया उस फेसबुक या जो भी वेबसाइट आपने खोली है उसके ज़रिए, और उससे आपकी IP इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गई ऐड सर्वर के पास, वेब होस्टिंग सर्वर के पास नहीं, ऐड सर्वर के पास।
एड सर्वर ने फिर ये डिटेक्ट कर लिया कि भैया अरे ये आईपी तो अभी मेरे पास है, इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है, ये तो यहाँ पे जूते देख रहा था, इसको यही जूता चिपकाओ, तो वो जूता आपको दिखता है अपने अपने एडवर्टीजमेंट्स में। तो इस तरीके से सारा एडवर्टीजमेंट का खेल काम करता है दोस्तों। दो तरीके के ऐड सर्वर होते हैं मोटे मोटे, एक होते हैं सेल्फ होस्टिंग सर्वर और एक होते हैं होस्टिंग सर्वर। होस्टिंग सर्वर जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि सारे के सारे एड्स कंटेंट अपने पास ही होस्ट करके सर्व करते हैं और आपकी आपको पूरी फुल सर्विसेज देते हैं। एक होते हैं सेल्फ होस्टिंग जिसमें आप खुद ही कोड बना के अपनी डेवलपमेंट टीम से काम करवाते हो, वो सस्ते होते हैं लेकिन उसमें काम ज़्यादा होता है। इनके बारे में डिटेल वीडियो में कभी और बनाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो का पर्पज़ था आपको सिंपल सिंपल भाषा में ये बताना कि एड सर्वर कैसे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी वाली वीडियो लगी होगी, अगर लगी तो फिर इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के क्या क्यों कैसे वाले वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी आप अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।